एके मिश्रा साहब, ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है, जब 23 को वोट पड़ जाएगा और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा दोनों सीटों का, तो उसकी जो बड़े फलक पर समीक्षा होगी वो यही होगी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पहला टेस्ट लिटमस पे टेस्ट हुआ, उसमें ये दोनों नेता, इन दोनों नेताओं की पार्टियां कहां खड़ी हैं। इसको इस रूप से देखा जा रहा है कि ये योगी और अखिलेश के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आप सहमत हैं? बात आपकी सही है अमिताभ जी। चुनाव के बाद ये माई एसिड टेस्ट होगा जी। उसके पीछे कारण है कि रेस में घोड़ा कोई भी हो, नाम हमेशा घुड़सवार का ही होता है। घोड़ा हारेगा तो कोई ये नहीं बोलता कि घोड़ा हारा, वो बदनामी या प्रशंसा घुड़सवार की ही होती है, ट्रॉफी भी वही लेता है, तो ये सेम फंडा है। बात बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी, वो ये था कि दोनों सीटों में इम्पोर्टेंस क्यों और किसको ज्यादा दिया जाए। इम्पोर्टेंस तो दोनों की है, लेकिन मैं रामपुर को कई स्ट्रेटजिक टैक्टिकल मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। जिस हिसाब से एक कद्दावर नेता आजम खान के साथ जो कुछ भी हुआ वहां पे, उसके बाद अगर रामपुर में समाजवादी पार्टी जीतती है, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी आजम खान के जितने दाग हैं वो ये सिद्ध कर देंगे या कर दिया जाएगा कि भाई लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश होता है, जज होता है, तो हमारे अंदर तो कोई दोष था नहीं। एक जो बहुत सारे धब्बे, काले धब्बे लगे हैं, वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। आजमगढ़ की जो बात देखिए, वो उसको ऐसे बोलिए कि जैसे पुश्तैनी जमींदारी टाइप की होती है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि खुद वहां पे आला कमान अखिलेश यादव वगैरह हमेशा से एक्टिव रहे हैं, तो वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वहां पे अगर बीजेपी जीतती है तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा समाजवादी का किला ही उन्होंने कब्जा कर लिया। बाकी के अगल बगल के जो भू क्षेत्र बाकी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कब्जा माना जाएगा अगर किले पे अपना झंडा गाड़ दिया। तो बातें आपने सही कही हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और दोनों पार्टियों के लिए कई मामलों में ये केवल एक उपचुनाव न हो करके प्रतिष्ठा की और साख की लड़ाई है। जिस तरीके से चावल पूरे भगोने का, कुकर का पका है कि नहीं पका है, केवल एक चावल का दाना टेस्ट करके देख करके पता कर लेते हैं, वैसे ही इन एक दो सीटों से पता कर लिया जाएगा कि पूरा का पूरा चुनावी माहौल या किसमें कितना दम है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एके मिश्रा जी, आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भाई जी बसपा का एक विधायक विधानसभा में, बताओ इसी पार्टी को कोई क्यों वोट देना चाहेगा। आप इस बात से सहमत हैं क्या कि ऐसी स्थिति आ गई? मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी जीतने की स्थिति में अब नहीं है कहीं भी, जब तक कि कोई बहुत एक्सेप्शनल कैंडिडेट न लड़े। जीतने की स्थिति में तो नहीं, लेकिन अब वोट अभी उसके पास है। देखिए, तो दूसरे का संतुलन तो दाएं बाएं कर ही सकती है जी। देखिए अमिताभ जी, बसपा की अपनी परिस्थिति ये रही है जी कि धीरे धीरे करके विगत कई सालों से इन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए कि जैसे ये राजनीतिक वैराग्य की तरफ जा रही है। और उपचुनाव में तो ये डिक्लेयर करते थे कि भाई हमारे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होंगे, बसपा का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उपचुनाव में पार्टिसिपेट करने का, वो महत्व नहीं देती है जी। यहां पे ये आश्चर्य की बात है कि ये उपचुनाव न हो करके कुछ बसपा ऐसे ले रही है जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि एक सीट जीत गए तो पूरी लोकसभा में जो है सब कुछ बदल जाएगा या हमारी सरकार आ जाएगी। तो विगत कई महीनों से, कई सालों से जो मैसेज दिया और कॉन्टिन्यूअस हैमरिंग के कारण उनके वोट बैंक में ये परसेप्शन बनना शुरू हुआ कि भाई ये तो लड़ते हैं नहीं, और अगर एक सीट जीत भी गए तो ये क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैंडिडेट का अगर कुछ अपना यूएसपी है, उसने बहुत जबरदस्त काम किया है, उसकी पकड़ वोटरों पे बहुत जबरदस्त है, जैसे एक तरीके से निर्दलीय आप समझिए, जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं वो अपने मेहनत, अपने दम, अपने रसूख पे जीतते हैं, अगर उस तरह का बसपा के कैंडिडेट का वहां पे क्रेज है, इमेज है, तो डेफिनेटली वो जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है बसपा कुछ अपने विशिष्ट प्रयोजन के लिए उन्होंने अपने जो है कैंडिडेट को खड़ा किया हुआ है।
नहीं, गुड्डू जमाली खैर लोकल में तो सक्रिय रहते हैं और बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, तो राजनीति में अगर आप संपन्न होते हैं तो भी आप लोगों की मदद करते हैं तो एक आपका अपना औरा बन जाता है,